नमस्कार, आपका स्वागत है। एक बार फिर से प्रकाश न्यूज लाइव के तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। अभी हम मौजूद है कांटी क्षेत्र के यशोधा मठ का, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं रात्रि में चोरों ने उत्पात मचाते हुए लगभग लाखों रुपए के दो घरों में चोरी की थी। वही आपको बता दें कि दो दिन पहले भी कांटी क्षेत्र में चोरों ने कई दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वही आपको बता दें कि लगातार ऐसा घटना कांटी क्षेत्र में देखा जा रहा है। वही हम लोगों से अपील करते हैं कि अपने घर में रहे तो जगे रहें और अपने सामान की सुरक्षा करें। वही प्रशासन ने काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है और देख सकते हैं ये सुधा मठ का ये तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। वही प्रशासन से बात करने के दौरान उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो के माध्यम से देखिए, और वहाँ के लोगों ने जिनके घरों में चोरी हुआ है उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो के माध्यम से देखिए। देवा गस्ती में सुबह हम निकलने वाले थे, थानाध्यक्ष महोदय द्वारा हमको सूचित किया गया कि यशोदा मठ में दो घर में चोरी हुआ है, जिसकी सूचना रात में मिली थी हमको भोर में है। लेकिन छापामारी में रहने के कारण वहाँ पर नहीं जा पाए। वहाँ जल्दी से जाइए, जा करके स्पॉट पर जाके अपना क्या कुछ चोरी हुई, घर में चोरी का बताए, घर में चोरी हुई यहाँ से जैसे सूचना मिला था वहाँ से भेजा गया। हम लोग यहाँ आए, आ करके देखे रूम में, छत पर से आ करके रूम का ताला दो घर में हुआ, दोनों तरफ सेम एकदम है, छत से ताला आकर के तोड़ा गया है। दो रूम दोनों घर का तोड़ा हुआ है, एक घर में यहाँ भी, एक घर में बगल में उसके यहाँ भी, दो रूम यहाँ भी टूटा है, दो रूम वहाँ भी टूटा है, जिसमें दोनों जगह एक एक ही रूम में ज़्यादा जो सामान बताया जा रहा है, जिस तरह से कि ज़्यादा सामान कीमती चीज़ एक रूम में। क्षेत्र में सर अधिकतर चोरी का मामला सामने आ रहा है, कल अति पुराना चौक पे हुआ था, आज यहाँ पे हुआ। हाँ, वो तो बच्चा अति किया था पुराना चौक वाला, वो तो पकड़ा गया है। वो बच्चा जैसे रिकवरी भी हो गया, पैसा भी रिकवरी हो गया है। वो बच्चा जैसे घर में ढूँक करके वो निकाल लिया था, झोला में रखा हुआ था पैसा, उठा के चल दिया था, वो तो रिकवरी हो। यहाँ तो अभी इस अनुसंधान के बाद ही कुछ होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। क्या कुछ रात को, रात को 12 बजे के बाद 8 मिली तो मम्मी उठ के देखी तो लगा ही कुछ है, तो वो उठ के दूसरे रूम के गेट के पास गई, दोनों रूम कनेक्टेड है तो आवाज़ आया, तो अपना गेट खोलने गई तो गेट बाहर से लॉक था। फिर वो आवाज़ दी दादी को तो उनका भी गेट लॉक था। फिर मेरा छोटा भाई उठा, उसका भी गेट लॉक था। फिर हम लोग घर में हल्ला किए तो बाहर ग्रामीण लोग आए, वो फिर इधर से गेट खोले बाहर से, अंदर गए तो देखे एक रूम का, दो रूम का मतलब ताला टूटा हुआ था, एक रूम में जो सामान था सब वो पूरा पसरा हुआ था, दाल वाल जितना भी सब जहाँ जहाँ डाला हुआ था सब ले गया, पैसा गहना सब। और दूसरे रूम में कुछ नहीं था, दूसरे रूम में कुछ खास नहीं था, बस बर्तन वर्तन था, उसको भी ताला तोड़ा देखा, उसको कुछ नहीं मिला, वो रूम छोड़ दिया। एक रूम में जितना सामान था सब उठा के ले गया। क्या क्या चीज चोरी हुआ? जेवरात था, मंगलसूत्र, हनुमानी, चैन, अंगूठी सब था, पैसा था, कैश। सूचना दिए थे तो क्या? रात को कॉल किए कांटी थाना प्रभारी को, कोई रिप्लाई नहीं आया, कॉल पिक नहीं किया गया, मैसेज किए, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, मैसेज को देख के छोड़ दिया गया था। कई घर में चोरी हुआ? दो घर में चोरी हुआ, यहाँ होने के थोड़ा ही देर बाद वहाँ भी हुआ। नाम बताइए। मेरा नाम शुभम। क्या कुछ चोरी हो गया है, कितने बजे की घटना? ये घटना 1 बजे से 2 बजे के बीच की है, और जितना गहना था पैसा था सब कुछ ले गया है। उसके बाद जब हम उठे हैं तो बाहर अंदर से रूम लॉक था, फिर फोन करके बुलाए हैं आदमी लोग को तो फिर गेट खुला है, उसके बाद हम लोग देखे हैं तब तक कोई बात नहीं था, चोर चला गया हुआ था। थाना आई थी? हाँ, थाना आई हुई थी। क्या बोले? थाना बोले हैं कि आके वहाँ पे FIR कीजिए, उसके बाद आगे का कार्य किया जाएगा। क्या क्या चीज चोरी? चोरी में मतलब गहना में A to Z सामान ले गया है, टोटल तकरीबन 15 लाख का गहना था, टोटल ले गया है। नाम बताइए, अपना नाम।